हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू EduTap CTET ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज का लेक्चर आपको और अच्छा करने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको कराने वाला हूं। मैं बता देता हूं कि हम लोग अभी क्या करने वाले हैं। अभी हम लोग करने वाले हैं क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट। क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट इसलिए क्योंकि यहाँ से आपके पास कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्यूब रूट से और स्क्वायर रूट से। मतलब कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इनटू क्यूब रूट कुछ भी दे देगा, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी कुछ देगा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा और कहेगा कि बताइए यहाँ पे क्या आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो ध्यान से इस लेक्चर को देखना, क्योंकि टाइम अभी ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। हो सकता है कि ये लेक्चर आपके बहुत काम आ जाए। बहुत अच्छे से आप लोग इसे देखें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो जो एक एक पॉइंट बताया जाएगा, उस एक एक पॉइंट पर आपने पूरा फोकस करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट। क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले बेसिक चीज होगी कि 1 to 10 आपको क्यूब याद होने चाहिए। हालांकि मैंने अभी बताया आपको कि 1 to 20 आपको क्यूब याद होने ही होने चाहिए, तो 1 to 10 तो आपको फिर याद हो ही जाएंगे। 40 तक टेबल जरूर याद कर लेना, क्योंकि जिसका टेबल स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका टेबल अच्छी होती है, उसकी मल्टीप्लीकेशन, उसकी कैलकुलेशन अच्छी ही होती है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए सबसे पहले क्यूब रूट निकालना सीख लेते हैं। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? क्यूब रूट निकालने के लिए आपको यहाँ पे कुछ मैंने चीजें दी गई है, तो मैं इन्हें बता देता हूँ कि ये क्या चीजें हैं। आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा है क्यूब, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, लास्ट डिजिट। ये है क्या? सुनिए, 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है, और लास्ट डिजिट भी क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। 2 का क्यूब 8 होता है, तो लास्ट में क्या है? 8 ही रहेगा। 3 का क्यूब 27 होता है, तो लास्ट डिजिट क्या है? 7, ये वाली जो लास्ट डिजिट है, जो यूनिक डिजिट है। 4 का क्यूब 64, तो एंड में क्या है? 4। इसी तरीके से मैंने सबके क्यूब लिखे और सबके लास्ट की जो डिजिट है। 8 का क्यूब 512, तो लास्ट में कितना है? 2। 9 का क्यूब 729, तो लास्ट में क्या है? 9। ये चीजें आपको क्यूब रूट निकालने में बहुत हेल्प करने वाली है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इस चीज को याद कैसे रखा जाए कि 1 के एंड में क्या आएगा, 2 के एंड में क्या आएगा, 3 के एंड में क्या आएगा, 4 के एंड में क्या आएगा? तो आप एक चीज देखिए, आप एक बात बताइए, सुनिए ध्यान से सुनना। 4 के एंड में हमेशा क्या आता है? 4। जो लास्ट डिजिट है वो 4 के क्यूब जब करते हैं तो 4 ही आता है। 5 में भी क्या आता है? 5। 6 में क्या आता है? 6। 9 में क्या आता है? 9। ये बात समझ में आ गई? सिर्फ दो ही नंबर ऐसे हैं जो आपस में इंटरचेंज करते हैं। कैसे? देखिए, जैसे 2 के पीछे क्या आया? 8। तो 8 के पीछे क्या दिख रहा है आपको? 2। 3 के पीछे क्या आया? 7। तो 7 के पीछे आपको क्या दिख रहा है? 3। सिर्फ दो ही नंबर है, बाकी 4 के पीछे 4, 5 के पीछे 5। ये हेल्प करने वाली है चीजें भी आपको। तो दो नंबर कौन से? 2 के पीछे 8, तो 8 के पीछे 2। 3 के पीछे 7, तो 7 के पीछे 3। अब क्यूब रूट निकालना भी स्टार्ट कर लेते। कोई भी एक नंबर में ले लेता हूं आपके सामने और क्यूब रूट निकाल लेता हूं। ठीक है, तो एक नंबर में लिख रहा हूं आपके सामने 1, 2, 1, 6, 7। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1, 2, 1, 6, 7। इसका क्यूब रूट निकालना है हमने। अब ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर लिखे और उसका क्यूब रूट निकालने लग जाए, क्योंकि एक बात सुनो यहाँ पे, 1 का क्यूब क्या होता है? 1। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। तो आप देखिए बीच में कितने सारे नंबर गायब ही हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये तो नंबर गायब हो गए ना, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये कभी किसी का क्यूब नहीं होते। और अगर ये नंबर कभी किसी का क्यूब नहीं होते तो इनका क्यूब रूट भी नहीं होएगा। बात क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर लिखे और इसी का क्यूब रूट निकालने लगे। जो परफेक्ट क्यूब होंगे उन्हीं का क्यूब रूट निकालने का मेथड मैं अभी आपको बता रहा हूं, और उन्हीं का क्यूब रूट निकलेगा भी, सिंपल सी बात अगर हम देखें तो। अब यहां पे सुनिए, इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट, अब क्यूब रूट क्या होता है सुनना ध्यान से। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? 3। यहां पे 3 लिखा हुआ है, तो आप हमेशा पीछे से चले और 3 डिजिट का पहला पेयर बनाए। पीछे से 3 डिजिट उठाए, उनका एक पेयर आपने बना लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे कितने डिजिट बची? 2। 2 डिजिट बची तो 2 का एक पेयर बना लीजिए। आगे चाहे कितने भी डिजिट बचनी है उसे बाद में देखेंगे, लेकिन ये जो पीछे वाली है इसमें वैसे कितनी डिजिट लेनी है आपने? 3 डिजिट का पेयर लेना है। क्लियर हो गई बात? ये अब सुनना ध्यान से। अब ये देखिए, जो ये वाला पेयर हमने लिया है, इसके एंड में क्या आया है? 7। इसके एंड में क्या आया है? 7। अब यहां पे सुनो, 7 किसके एंड में 7 आता है? 3 के एंड में 7 आता है। बात समझ में आई या नहीं आई? या हम कह सकते हैं कि 7 के एंड में क्या आता है? 3 आता है। क्लियर है ये बात? तो यहां पे लिखा था 7, तो मैंने यहां पे क्या लिख लिया? 3।
समझना बात को, 7 के एंड में क्या आता है 3, या 7 किसके एंड में आता है 3 के, दोनों चीजें यहां पे सेम ही है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर रूट में इनका फर्क पड़ता है। क्लियर है या नहीं है? तो यहां पे देखा मैंने 7, तो 7 के एंड में क्या आता है 3, वो मैंने यहां पे लिख लिया। अब इस पेयर का काम खत्म, इस पेयर का काम हो गया मेरा खत्म। अब मेरे पास जो पहला पेयर बचा है मैं उस पे गया, ये क्या लिखा हुआ है 12। जो पहला पेयर होगा हमेशा आपने चेक करना है कि जो पहले पेयर में नंबर है वो किस किस के क्यूब के बीच में लाई करता है, जो 12 है वो किस किस के बीच क्यूब के बीच में लाई करेगा, जो 12 है वो 8 और 27 के बीच में लाई करेगा या नहीं करेगा। 8 और 27 का मतलब है 2 के क्यूब के बीच में और 3 के क्यूब के बीच में, तो जो 12 है वो 2 के क्यूब के बीच में लाई करेगा और 3 के, बात समझ में आई ना भाई, 2 का क्यूब कितना हुआ 8 और 3 का कितना हुआ 27, तो 12 यहीं के बीच में आएगा या नहीं आएगा। क्लियर है? तो जो पहला पेयर है उसमें जो नंबर होगा वो हमेशा चेक करना है किस किसके क्यूब के बीच में लाई करता है, किस किसके क्यूब के बीच में। क्लियर हो गई ये बात? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहां से ये देखा मैंने, तो यहां से हमेशा जो छोटा नंबर है वही लेना है, जो छोटा नंबर है, छोटा नंबर क्या है 2, यहां पे मैंने लिख दिया 2, यही आंसर है। बात समझ में आई या नहीं? आप चाहे 23 का क्यूब करके देख लीजिए, आपको यही मिलेगा। तो यहां पे प्रोसेस क्लियर है। एक एग्जांपल और समझते हैं, उससे और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 32768। इसका क्यूब रूट बताना है भाई, इस नंबर का क्यूब रूट बताना है 2 सेकंड के अंदर। क्या करेंगे, पीछे से चलेंगे, दो ये हमने उठाया, एक पेयर बनाया 3 डिजिट का, हमेशा 3 डिजिट ही लेनी है। आगे अगर 2 डिजिट बस किए तो 2 ही रहेंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए यहां पे एंड में क्या है 8, 8 के पीछे क्या आता है 2, लिख लिया, या 8 किसके पीछे आता है 2 के, बात लिखी है। अब मैंने इसे कैंसिल कर दिया, इस पेयर का काम खत्म। अब मेरे पास बचता है पहला पेयर, पहले पेयर में कौन सा नंबर है 32, 32 किस किस के क्यूब के बीच में लाई करता है, आप देखिए ये मैं हटा देता हूं, 32 यही कहीं लाई करेगा या नहीं करेगा, 27 और 64 के बीच में ही 32 आएगा, तो मतलब 27 3 का क्यूब है और 64 किसका क्यूब है 4 का, तो मतलब 32 3 और 4 के क्यूब के बीच में लाई करते हैं, 4 के क्यूब के बीच में लाई करते हैं, बात समझ में आई। तो यहां से हमेशा कौन सा नंबर लेना है छोटा, तो क्या आ गया मेरा 32, हमेशा आप बंद करके छोटा नंबर ले लो, तो इसका जो क्यूब रूट होएगा इतने बड़े नंबर का वो क्या होगा 32, कितनी देर में निकला 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा। एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल और ले लेते, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल लेंगे तभी कहानी समझ में आएगी अच्छे से। क्लियर है? चलिए कितना भी बड़ा नंबर हम लिख लेते हैं, ठीक है 117649, इसका क्यूब रूट निकालना है भाई, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा इसका क्यूब रूट निकालने के लिए, बिल्कुल सही बात, पीछे से चले 3 डिजिट का पेयर बनाया, अब आगे 3 डिजिट बची है तो 3 का ही पेयर बना लो, ठीक है, यहां पे अगर 2 होगी तो 2 का पेयर बनाएंगे, 3 डिजिट है तो 3 का, 4 होता तो 4 का ही पेयर बना लेते। अब यहां पे एंड में क्या दिया गया है 9, अब मैं देखूंगा कि 9 किसके पीछे आता है, 9 किसके पीछे आता है, 9 के पीछे 9 जो है वो किसके पीछे आता है, 9 के पीछे ही आता है, तो यहां पे मैंने लिख दिया 9, यहां पे क्या लिख दिया मैंने 9, भाई 9 किसके पीछे आता है, 9 के पीछे आता है नहीं, तो 9 लिख दिया, इसका काम हो गया खत्म। अब मैंने पहला पेयर उठाया, पहला पेयर में क्या नंबर है 117, 117 किस किस के क्यूब के बीच में लाई करता है, तो ये मैं बता देता हूं यहां से 117 जो है वो 64 और 125 के बीच में लाई करते हैं या नहीं, इन्हीं के बीच में कहीं आया होगा या नहीं आया होगा। अब 64 किसका क्यूब है 4 का और 125 किसका क्यूब है 5 का, तो मतलब जो 117 है वो 4 और 5 के क्यूब के बीच में लाई करता है, तो हमेशा कौन सा नंबर लेना है छोटा, तो क्या आंसर आ गया मेरा 49। बताइए बात समझ में आई या नहीं है, क्या आंसर आ गया मेरा 49। बहुत सिंपल सी बात थी, बहुत सिंपल सा तरीका था इसे सॉल्व करने का, कुछ भी नहीं करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और ध्यान से समझते हैं क्या है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहां पे, ठीक है 941 142, इसका क्यूब रूट निकालना है भाई, इसका क्यूब रूट बताइए क्या होगा फटाफट से। तो देखो क्यूब रूट निकालना इसका बहुत सिंपल है,
आपने तीन तीन डिजिट का पेयर बना लिया, पीछे से तीन डिजिट का पेयर बनाया, आगे तीन डिजिट है तो तीन का ही पेयर बना लिया। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टू। अब टू किसके पीछे आता है, एट के। बात समझ में आई या नहीं आई, तो यहाँ पे आ गया एट, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे देखना है ये कितना दिया हुआ है, 941। अब 941 किस किसके क्यूब के बीच में लाई करता है, आप देखिए ये 729 है, ये 1000 है, तो 941 नहीं कहीं रहा होगा या नहीं रहा होगा, किस किसके क्यूब के बीच में रहा होगा, 9 के और 10 के, तो हमेशा छोटा नंबर कितना आ जाएगा, 9। यही क्या होगा मेरा आंसर। बताइए समझ में आई बात या नहीं आई, क्लियर है आपको इसमें कोई डाउट? तो आपके पास क्यूब रूट निकालने के लिए मैक्सिमम 6 डिजिट का नंबर आएगा, मैक्सिमम। इससे बड़ा नंबर आपके पास क्यूब रूट निकालने के लिए नहीं आएगा, ये याद रखना। मुझे उम्मीद है कि क्यूब रूट आपको क्लियर हो गया होगा। अब किसी से मिलता जुलता मैं आपको बताता हूं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तभी बात अच्छे से क्लियर हो पाएगी। अब बात ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि स्क्वायर रूट सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्यूब रूट से भी। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की, क्लियर है? चलिए स्क्वायर रूट। अब आप देखिए यहां पे, अगर क्यूब रूट निकाला था तो मैंने क्यूब लिखा था, अगर स्क्वायर रूट निकालना तो मैं स्क्वायर लिखूंगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं नंबर, यहां पे मैं लिख रहा हूं स्क्वायर, और यहां पे लिख रहा हूं मैं लास्ट डिजिट। क्या लिख रहा हूं? लास्ट डिजिट। तो चलिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और लास्ट में क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो एक ही डिजिट है तो 9 ही आएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा, क्लियर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 5। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, तो एंड में क्या आएगा, 6 ही आएगा। अब इसके बाद 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, तो एंड में क्या आएगा, 9। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो लास्ट में क्या आएगा, 4। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, तो एंड में क्या आएगा, 1। और 10 का स्क्वायर तो आपको पता ही है क्या होता है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब यहां पे सुनो, यहां पर मैंने 1 to 9 सारे नंबर लिखे थे, बात समझ में आई, और पीछे भी 1 to 9 सारे ही नंबर आए। आप देखिए ये 1 आया, ये यहां पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पे भी मैंने 1 to 9 सारे नंबर लिखे, लेकिन क्या पीछे सारे नंबर आए हैं, क्या किसी के पीछे 2 आया? आप देखिए किसी के पीछे 2 है, नहीं। किसी के पीछे 3 आया, नहीं आया। क्या किसी के पीछे 7 आया, देखिए, क्या 7 आया, नहीं। क्या किसी के पीछे 8 आया, देखिए, नहीं आया। मतलब ये जो नंबर है, ये जो डिजिट है, अगर किसी नंबर के पीछे होगी तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं आपको कहूं 3, 4, 7, 8, 7, 2, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? किसी नंबर का नहीं हो सकता परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि एंड में क्या आ गया, 2, और 2 कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के पीछे कभी 2 नहीं आएगा। ये बात समझ में आई ना, ये चीज समझना ध्यान से भाई। इसके बाद और समझो, इसके बाद और चीजें समझो। अब यहां पे देखो 1 किसके पीछे आया था, सिर्फ 1 के पीछे आया था, और किसी नंबर के पीछे तो 1 नहीं है ना। यहां पे देखो 1 जो है वो 1 के पीछे भी है और 9 के पीछे भी है। भाई 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, तो एंड में क्या आएगा, 1 आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद अगर बात करें, अगर देखिए 4, तो 4 सिर्फ 4 के पीछे आया और किसी के पीछे तो नहीं है ना, क्यूब की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन जब बात स्क्वायर की होगी तो 4 देखो 2 के पीछे भी आया और 8 के पीछे भी आया, क्लियर है। मतलब यहां पे एक नंबर 2 के पीछे आता है, जबकि यहां पे 1 के पीछे ही आता है। तो इसे कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब वही चीज मैं यहां पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई, ठीक। अब स्क्वायर रूट निकाल रहे हम लोग, एक एग्जांपल अगर आपको ध्यान से समझ में आ गया तो इसका मतलब सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं कोई भी, जैसे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1444, ये मैंने ले लिया, इसका क्या निकालना मैंने, स्क्वायर रूट। अब एक बात सुनो, जब क्यूब रूट निकाला था तो कितने डिजिट का पेयर बनाया था पीछे से, 3 डिजिट का। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितने डिजिट का पेयर बनाएंगे, सिर्फ 2 डिजिट का। क्लियर हो गई ये बात ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब 2 डिजिट का पेयर बनाना है पीछे से, तो पीछे से आप 2 डिजिट उठाइए और ऐसे 2 डिजिट।
अगर आगे दो डिजिट है तो दो का ही पेयर बनाओ, तीन होगी तो तीन का, लेकिन पीछे दो डिजिट का ही पेयर बनेगा हमेशा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है एंड में, अब ध्यान से सुनना, एंड में क्या है ये फोर, हमेशा लास्ट डिजिट देखनी है फोर। अब फोर यहाँ पे देखो किस किस के पीछे आता है, टू के और एट के, तो या तो जो इसका आंसर रहा होगा या तो उसकी लास्ट डिजिट टू रही होगी या एट रही होगी। अब टू रही होगी या एट रही होगी ये कौन बताएगा, ये मैं बताता हूं कौन बताएगा, ये बताएगा ये पहला, ठीक है पहला पेयर। अब देखो जब क्यूब रूट निकालते थे तो क्या देखते थे, किस किस के क्यूब के बीच में लाई करता है, स्क्वायर रूट निकालने तो क्या देखेंगे किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, तो जो 14 है वो किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, वो देखो यहाँ पे 14 लाई कर रहा होगा 9 और 16 के बीच में, मतलब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो या 14 जो है वो 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में लाई करता होगा, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में, तो यहां से तो 3 ही आएगा, यहां से तो 3 ही आएगा। अब यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आएगा ये कैसे पता चलेगा, इसे पता करने के कई सारे मेथड है, कैसे। अब देखो आप क्या करो, ये 14 किस किस के स्क्वायर के बीच में आया था, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आया था, तो आप 3 इंटू 4 करो कितना बना 12, 3 इंटू 4 किया तो कितना बना 12। अब ये देखो कि जिसके हम कंपेरिजन कर रहे हैं वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है या उससे बड़ा है या उससे छोटा है, अगर तो बड़ा है तो यहां से बड़ी वैल्यू लेंगे और अगर छोटा है तो छोटी वैल्यू लेंगे। जैसे सुनना ध्यान से, जो 14 है वो 12 से क्या है बड़ा है, बात समझ में आई ना, तो बड़ी वैल्यू लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 38। अगर छोटा होता तो छोटी वैल्यू लेते, अगर छोटा होता तो छोटी वैल्यू लेते। एक एग्जांपल समझो ध्यान से, दो एग्जांपल हो और आपको क्लियर हो जाएगी सारी की सारी चीजें। सुनना ध्यान से भाई, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3136 का, इसका स्क्वायर रूट बाद में मैं बड़े नंबर भी लूंगा, पहले ये समझो, पीछे से दो डिजिट ली, यहां पे दो ले ली, बात समझ में। यहां पे क्या है 6, किस किस के पीछे आता है 6, 4 के पीछे आता है और 6 के पीछे आता है, यही तो बात है, या तो 4 के पीछे आएगा 6 देखो या 6 के पीछे 6 आएगा। अब 31 किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, बात क्लियर है या नहीं है, तो यहां से तो हमेशा छोटी डिजिट आएगी, कितना आएगा 5 ही आएगा। अब फिर अब मैंने क्या देखना है, 31 के साथ कंपैरिजन हो रही है, 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो 5 into 6 क्या हुआ 30, 5 into 6 क्या हुआ 30, तो 31 30 से बड़ा है या नहीं है, अगर बड़ा है तो यहां से बड़ी वैल्यू ले लो, आंसर क्या आ जाएगा 56। या आप एक बात देखिए, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब यहां पे सुनो, इसके साथ गैप कितने का दिखा रहा है 6 का, इसके साथ गैप कितने का दिखा रहा है 5 का, भाई 25 और 31 में गैप कितने का है 6 का, और 36 और 31 में कितने का गैप है 5 का, तो मतलब ये 31 जो है बड़ी वैल्यू के पास है, 31 कहां है बड़ी वैल्यू के पास है, तो यहां से बड़ी वैल्यू उठाओ। देखो दो चीजें बताई अभी मैंने, या तो इनका मल्टीप्लीकेशन करके इसके साथ कंपैरिजन कर दो, या इन दोनों के स्क्वायर को देख लो ये किसके पास है, अगर छोटे के पास है तो छोटा नंबर, बड़े के पास है तो बड़ा नंबर। क्लियर हो गई ये बात, एक एग्जांपल और इसी के साथ, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। अब मैं निकालता हूं भाई, यहां पे ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल और सुन लीजिए ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो 2916, अब बात करते हैं किसकी, 2916 की, क्लियर ये बात, देखना ध्यान से, सुनना ध्यान से भाई। अब देखो यहां पे दो डिजिट, यहां पे दो डिजिट का पेयर, अब यहां पे लास्ट में क्या है 6, या तो 4 रहा होगा या 6 रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 29 5 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है और 6 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो यहां से तो मैं क्या लूंगा 5 ही लूंगा, लेकिन यहां से 4 लूंगा या 6 लूंगा ये कौन बताएगा, दो तरीके बताए अभी, या तो आप कर दो 5 इंटू 6 कितना हुआ 30, 29 30 से छोटा है या नहीं है, जिसका कंपैरिजन कर रहे थे वो नंबर अब छोटा हो गया, छोटा हो गया तो छोटी वैल्यू ले लेंगे यहां से, तो आंसर क्या आ जाएगा 54, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 54 होगा। या दूसरा तरीका मैंने अभी बताया था आपको, अब 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 और 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, अगर 29 का गैप देखूं मैं तो इसके साथ 4 का गैप है, इसके साथ 7 का गैप है, तो कम गैप किसके साथ है, छोटे वाले के पास में है या नहीं है, छोटे वाले के पास में तो यहां से छोटा नंबर ले लेंगे,
क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बहुत अच्छा मेथड बता रहा हूं मैं, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, आपको नंबर का स्क्वायर रूट फटाक से दे देगा, कुछ भी टाइम नहीं लगना यहाँ पे। अगर आप देखना चाहे तो एक दो एग्जांपल और देख सकते हैं, मैं लिख देता हूं एक दो एग्जांपल और फटाफट से। 9409 9409, हाँ जी, इसका स्क्वायर रूट बताना है क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट याद बात करने की जरूरत नहीं है, फटाफट आएंगे आपके। आपने क्या करना है, दो यहां पे और दो यहां पे, ये क्या है एंड में 9, या तो 3 के पीछे रहा होगा या 7 के पीछे रहा होगा, इस पेयर का काम हो गया खत्म। 94 किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है भाई। 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81 और 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, तो 94 इन्हीं के बीच में लाई करेगा या नहीं करेगा, बात समझ में आई या नहीं है? तो यहां से तो क्या लेना है 9, अब यहां से 3 आएगा या 7 कौन बताएगा, 9 into 10 कर दो कितना हुआ 90, तो 94 90 से बड़ा है तो वहां से बड़ी वैल्यू ले लो। आंसर बात समझ में आई या नहीं आई? या आप देखो यहां पे कितने का गैप है 7 का, यहां पे कितने का गैप है 6 का, तो कम गैप कहां पे है, किसके पास में है, बड़े वाले के पास में तो बड़ी वैल्यू ले लो, छोटे वाले के पास में होगा तो छोटी वैल्यू ले लेंगे। बहुत बढ़िया चीज, क्लियर हो रहा है आप लोगों को मतलब? चलिए आगे एक और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं भाई, ये बहुत काम आने वाला है आपको आरबीआई स्टैंड के पेपर में, आप याद रखना। एक और बड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जिससे कि आपको और चीजें क्लियर हो जाए। 15129 15129, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, बात समझ में आई? तो देखो भाई स्टूडेंट, यहां पे ध्यान से सुनना, पीछे से तो दो डिजिट का पेयर बनाना हमेशा, आगे अगर 3 है तो 3 का पेयर बना लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे से 2 का ही पेयर बनाना। अब ये लास्ट में दिया हुआ है क्या 9, अब 9 किस किस के पीछे आता है, या तो 3 के पीछे या 7 के पीछे, अभी बात की हमने। तो अब देखते हैं 151 किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, 12 के स्क्वायर में क्या और 13, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, तो यहां से तो 12 आना ही आना है। अब यहां से 3 आएगा या 7 आएगा ये कौन बताएगा, ये दो तरीके से पता चल सकता है। 12 इंटू 13 किया तो कितना हुआ 156, कितना हुआ 156। अब 151 156 से बड़ा है कि छोटा है, जाहिर सी बात है छोटा है, तो यहां से छोटी वैल्यू ले लीजिए, तो आंसर क्या आ गया 123। या आप यहां पे देख लीजिए इन दोनों का जो गैप है वो कितना है 7, और इन दोनों का जो गैप है वो कितना है 18, तो कम गैप किसके साथ है, छोटे वाले के साथ, तो यहां से छोटे वाला नंबर, बड़े वाले के साथ होता तो बड़ा वाला नंबर। क्लियर हो गई बात आपको, बहुत अच्छी बात, अगर क्लियर हो गई तो एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, फटाफट से समझिए भाई। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, तो एक और स्क्वायर रूट हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या निकाल लेते हैं 800089, तो इसका स्क्वायर रूट आप मुझे बताएंगे निकाल के, इसका स्क्वायर रूट आप बताएंगे, यहां से ये पेयर बनाना है, यहां से ये पेयर बनाना है, बात समझ में आई या नहीं है? इसका स्क्वायर रूट आप लोग बताएंगे, ये जो है 28 और 29 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। क्लियर हुई बात आपको? तो स्टूडेंट्स ये था स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट, अगली बार मैं आपको बताऊंगा कुछ मल्टीप्लिकेशन के या स्क्वायर निकालने के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, ये बहुत प्यारे और खूबसूरत कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, तो इन पे ज्यादा फोकस करना है आपने, क्योंकि 10 नंबर की कैलकुलेशन आपके एग्जाम में खरी खरी आएगी एकदम, और वो मिस नहीं होनी चाहिए, वो एक ऐसी चीज है जहां पे आपको 10 में से 10 नंबर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना जरूर, लाइक करना मत भूलना, ठीक है, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि हम लोग किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।